हरदा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया और सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सदन से वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा की गैलरी में जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के संरक्षण के कारण ही हरदा में अवैध फैक्ट्री संचालित होती रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों को बीजेपी नेताओं का संरक्षण रहा है। जो खबरें मिल रही हैं कि 11 से अधिक मृत्यु हो चुकी हैं, उसमें लगभग 200 लोग घायल हैं, और यही नहीं बल्कि शायद घटनास्थल के आसपास भी अनेकों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, अनेकों लोग बेघर हो गए हैं, और अभी भी इस पूरी घटना के सही आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे विषय में ये है कि कुछ साल पहले ही उक्त फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया था, उसके बावजूद भी फैक्ट्री क्यों चालू थी, इस पर हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्टीकरण दें। वहीं कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहना है कि सरकार तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सत्ता पक्ष के मंत्रियों का ये भी कहना है कि विपक्ष इस मामले को लेकर बेवजह तूल दे रहा है। और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये कांग्रेस के प्राण उड़ा दे रही है। इसलिए कांग्रेस को राम नहीं भाते और राम को कांग्रेस नहीं भाती। कुल मिलाकर अभिभाषण का विरोध नहीं है, अयोध्या में रामलला के मंदिर का विरोध है कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 19 फरवरी तक चलेगा। इस सत्र में कुल 9 बैठकें होंगी। सत्र के लिए 2303 प्रश्न भेजे गए हैं, इनमें 1163 तारांकित हैं। इसके अलावा 4 स्थगन प्रस्ताव, 259 ध्यानाकर्षण और 12 अशासकीय संकल्प विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7, भोपाल।